टाटा कर्व कब आ रही है, कैसी एक्चुअल में दिखेगी यह अपने प्रोडक्शन वेरिएंट के साथ, किस कीमत पे लॉन्च हो सकती है, किस तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी, ये सारी बातें होंगी इसी वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं, कैसी दिख रही है। तो ऑटो एक्सपो में मैंने आपको इस कार के बारे में थोड़ी सी झलक दी थी टाटा के पवेलियन के विजिट में। देखने में कैसी लग रही है, देखिए पहली चीज आपको जो याद रखनी पड़ेगी वो ये कि यह कार कम्प्लीटली न्यू कार नहीं है, यह नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म पर ही डिजाइन की हुई कार है और जिसकी वजह से यह काफी कुछ आपको नेक्सॉन जैसी झलक भी दिखाएगी। तो आप चौंकिएगा नहीं क्यों यह कार बहुत इम्पॉर्टेंट है, या हम इसे एसयूवी कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यह कार एसयूवी और क्रॉसओवर सब मिक्स है भाई, सीधी सी बात। फ्रंट में आपको नई डिजाइन वाला डीएल मिलेगा जो कनेक्टेड भी है, और मे बी पॉसिबल कि यहाँ आके वह नीचे कट बन के टी बना दे, ताकि टाटा के नए लोगो जो कि हमने अविन्या में देखा है वैसा झलक आ जाए प्रोडक्शन के टाइम पर। साइड में एक कर्व बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने हेक्टर में देखा है, बिल्कुल उसी तरह के डिजाइन एलिमेंट वाले कर्व के भीतर हेडलैम्प यूनिट दे रखी गई है, प्रोजेक्टर दिख रहे हैं साफ साफ क्लियरली। इसके अलावा हमें उम्मीद है LED भी इसमें मिल सकते हैं। ऊपर के हिस्से में जो ग्रिल इस समय बंद दिखाई दे रही है वह हो सकता है ओपन मिले, क्योंकि यह पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है। बात करें साइड प्रोफाइल की, यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे प्रोडक्शन के समय, एक अच्छा व्हील आर्च, और ये व्हील आर्च आपको याद दिलाएगा नेक्सॉन के डिजाइन फिलॉसफी का, यानी यह उसी के सेकेंड वर्जन है ये कह सकते हैं आपको, जो अपग्रेडेड भी है। व्हील बेस थोड़ा सा बदल जाएगा और जिसकी वजह से जगह भीतर आपको ज़्यादा मिलेगी और इस कार की लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नए 17 इंच व्हील के साथ कितनी होगी, लेकिन अनुमान है यह 200 mm तो रहेगी ही रहेगी। ग्लास एरिया थोड़ा छोटा ही दिख रहा है डिजाइन में, हालांकि यह गाड़ी की ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी जाएगी जब लॉन्च की जाएगी, जिसकी वजह से पीछे की सीट पे जगह भी मिलेगी और थोड़ा ऊंची गाड़ी इंडियन पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी नेक्सॉन वाली झलक जो है वह मिस नहीं होगी आपसे, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ORVM में ही आपको कैमरे के ऑप्शंस भी अब दे दिए जाएंगे, इंडिकेटर तो मिलेगा ही मिलेगा। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो रियर पे आपको चेंजेस जरूर थोड़े से देखने को मिलेंगे, ऊपर आपको एक स्पॉइलर मिलेगा, डिफॉगर मौजूद है, वाइपर की इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है, टेल लैंप कनेक्टेड ही रहेंगे जैसी नई डिजाइन आ रही है टाटा की, बीच में टाटा का लोगो है, हो सकता है ये लोगो हमें नया वाला एलिमेंट मिल जाए। पीछे स्कूप वगैरह मौजूद है, कैमरा और साथ ही पार्किंग सेंसर जो कि स्टैंडर्ड हो गया आजकल सभी कारों में वो मिलेगा। पीछे का जो बम्पर है उसका डिजाइन थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से मुझे इस बात पर शिकायत है थोड़ी सी कि हो सकता है कि डिपार्चर एंगल कार का थोड़ा कम हो, जिसकी वजह से इसे कुछ बहुत क्रिटिकल कंडीशन से उतरते समय दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आएगा तब हम नाप के आपके साथ शेयर कर देंगे ड्राइव रिव्यू में। बात करें कार के भीतर की तो देखो नेक्सॉन पर बनी हुई है तो जगह की कमी तो हो नहीं सकती, नेक्सॉन में ही जगह की कमी नहीं है तो वहाँ कैसे होगी। बूट स्पेस के बारे में अनुमान है कि यह 400 लीटर के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं अगर हम इसके डैशबोर्ड की, तो यह कम्प्लीटली नया डैशबोर्ड है जो कुछ भी नेक्सॉन से कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 2-spoke स्टीयरिंग व्हील मिलेगी जैसे कि हमने अविन्या में देखी है, और कर्व का अगर आपको याद हो मैंने इसका एक आपको जब कॉन्सेप्ट दिखाया था तब आपको वीडियो दिया था मुंबई से, तभी हमने हर चीज़ आपके साथ क्लियर कर दी थी। तो वो आपको डिजाइन एलिमेंट मिलेगा, डैशबोर्ड भी बिल्कुल नया होगा, 10 इंच वाला टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा, वही जो भी हाल में हैरियर और सफारी में दिया गया था, नेक्सॉन ईवी मैक्स में दिया गया है, वो आपको इसके साथ मिलेगा। इसके अलावा पहली बार इस सेगमेंट में चूंकि टाटा एंटर कर रही है तो आपको इसके साथ एडास वाले फीचर्स भी दिए जाएंगे जो कि हमें अभी हाल में हैरियर और सफारी में दिए गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि तब तक हमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी दे दिया जाए और एडास को
कंप्लीट एडास बना दिया जाए, अभी आधा अधूरा एडास जो है ना वो कंप्लीट एडास हो जाएगा। पीछे की सीट में जगह अच्छी थी, जब हमने कार को देखा था तो हमें अच्छी जगह लग रही थी, हालांकि भीतर अभी एसेस करना मुश्किल है क्योंकि हेडरूम बदल जाएगा कार की ऊंचाई बदलने से, तो हम उम्मीद रखते हैं कि उस समय भी हमें यहाँ पर जगह की कमी नहीं होगी। दो एडल्ट और एक किड की जगह तो गारंटेड मिलेगी, हो सकता है तीन दुबले पतले एडल्ट भी पीछे बैठे हैं। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। 1.2 लीटर GDI पेट्रोल इंजन मिलेगा 125 PS की पावर देने वाला। हाँ, ये वही इंजन है जिसके बारे में मेरी मोहन सावरकर से बात हुई थी। मोहन सावरकर जो प्रोडक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट और प्लांट हेड है, आपसे मिस हो गया वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने उस इंजन के बारे में बताया था, दिखाया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो वह इंजन हमें मिलेगा और मुझे यह उम्मीद है कि यह भले 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन GDI इंजन जिस तरह की परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं वो हमें भरपूर मिलेंगे। हालांकि नेक्सॉन की परफॉर्मेंस वैसे भी कहीं कम नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, और ये इंजन पहली बार इस कार के थ्रू दिया जाएगा। और शायद इसी के साथ टाटा नेक्स्ट जनरेशन इंजन की शुरुआत कर देगा इंडियन मार्केट में। कब लॉन्च की जाएगी? लॉन्च का अनुमान जो है वह 2024 के मिड में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 2024 के बिल्कुल अर्ली ही इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी ताकि लोग अच्छे से इंतजार कर सके। अब रही बात इसके प्राइस के अनुमान की, तो यह वही 11.5-12 लाख से शुरू हो जाएगी और इसका टॉप एंड वेरिएंट एडास फीचर सबके साथ लगभग 18-19 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। अभी लोग पूछेंगे बिल्ड क्वालिटी, तो मैं कहूँगा बिल्ड क्वालिटी होती क्या पहले ये तो सीख लीजिए क्योंकि चटपटे यूट्यूबर्स ने बहुत कन्फ्यूज कर दिया है। कार का फ्रेम रिजिड रहेगा जिससे कि क्रैश टेस्ट रेटिंग अच्छी रहेगी क्योंकि यह नेक्सॉन के डिज़ाइन प्लेटफॉर्म बॉडी शेल पर तैयार की गई है, तो उससे लेके कोई शिकायत नहीं। बाकी भी सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड दिए जाएंगे पहली बार और मेन दाज ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स तो मिलेंगे, साथ ही आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम और अराउंड व्यू कैमरे वाले फीचर्स भी इसके साथ दिए जा सकते हैं। अब बात कर लें आपसे कि इसका मार्केट पर असर क्या पड़ेगा। देखिए, भारतीय बाजार में ऑलरेडी 3 कारें धमाल मचा रही हैं, क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा। हायर एडर भी अपनी पोजीशन बना रही है, इसके अलावा कुशाक टाइगन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज तक थोड़ी पिछड़ गई है, ओवरऑल मार्केट बड़ा अच्छी कंडीशन में है, लेकिन 2 नई कारें भी आ रही हैं जो कब से पहले ही आ जाएंगी, जिनमें अगले महीने की शुरुआत में ही होंडा अपनी एलिवेट ला रहा है, उससे मार्केट पर असर पड़ेगा। दूसरी, सिट्रॉयन अपनी C3 एयर क्रॉस भी ला रहा है जो इसी सेगमेंट की SUV है। ये बात सही है कि टाटा की एंट्री थोड़ा देर से हुई है क्योंकि उनके पास तैयारी नहीं थी इस सेगमेंट के लिए, लेकिन हमें लगता है कि टाटा भले देर से आ रहा हो लेकिन वह अपनी जगह यहाँ बना ही लेगा, जैसे कि नेक्सॉन ने भी अपनी जगह बना ही ली, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। कोई पूछेगा फ्यूल एफिशिएंसी, तो अभी इस इंजन को किसी ने टेस्ट नहीं किया है तो हवाबाजी नहीं करते हैं, आने देते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बातचीत में हुई थी टाटा के मैनेजमेंट से, उस हिसाब से यह एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगा और शायद नेक्सॉन से ज़्यादा दे पाएगा नए इंजन नई टेक्नोलॉजी की वजह से, और रिफाइंड भी होगा, ये टाटा ने भरोसा दिलाया है। आपकी ओपिनियन सर आंखों पर लिखिएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में, जिसे आप अक्सर भूल जाते हैं। और एक चीज़, टाटा की कार है तो शेयर करना बनता है, जिसको दिक्कत हो वो ना करे, बाकी तो सब शेयर कर दो फेसबुक पोस्ट पर और साथ ही अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर जिनमें आप अक्सर कुछ ना कुछ भेजा ही करते हो, प्लीज़ उसमें भी शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ या रिव्यू के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।